जोशीमठ में भू दशाओं के बाद विस्थापन की मांग और एनटीपीसी के विरोध में जो प्रदर्शन कर रहे हैं उनको लेकर प्रदेश अध्यक्ष भाजपा के महेंद्र भट्ट ने बड़ा बयान दिया है। महेंद्र भट्ट ने कहा कि उनके पास ऐसी रिपोर्ट है कि जोशीमठ में जो स्थानीय लोग आंदोलन कर रहे हैं उनके आंदोलन में वामपंथी दलों की भूमिका है। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि यह वामपंथी दल उत्तराखंड की धार्मिक चारधाम यात्रा को प्रभावित करने और एनटीपीसी जैसी महत्वपूर्ण परियोजना को प्रभावित करने के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि एनटीपीसी को लेकर जिस तरह का विरोध हो रहा है अभी तक ऐसा कोई साक्ष्य नहीं मिल पाया है जिससे यह कहा जा सके कि एनटीपीसी की टनल के कारण जोशीमठ में जो भूदशाव हो रहा है, जो दरारें आ रही है, उनके कारण हुआ है। तो एक बार सुनिए कि जो महेंद्र भट्ट हैं उनका पूरा बयान आपको सुनाते हैं कि उन्होंने क्या कहा। जोशीमठ क्योंकि धार्मिक क्षेत्र होने के साथ साथ सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्र है और वहाँ पर जो मेरी जानकारी में कि वामपंथी संगठन उस क्षेत्र के इस धार्मिक यात्रा को, साहसिक पर्यटन की यात्रा को प्रभावित करने का प्रयास कर रहे हैं, वहाँ की जनता के अंदर भय का वातावरण तैयार कर रहे हैं। और मैं कह सकता हूँ जहाँ सरकार प्रत्येक प्रभावित व्यक्ति को उसकी मदद करने के लिए कटिबद्ध है, उनकी समस्याएं सुन रही है, और क्योंकि सीमावर्ती क्षेत्र है इसलिए ये विषय इसलिए उठता है कि आखिरकार नेशनल इशू एक क्षेत्र विशेष में आपदा आती है, कोई जब पहली बार है, कोई जनहानि नहीं हुई है, इसको इस प्रकार से इशू बनाकर आप सीमा के अंदर क्या मैसेज देना चाहते हैं, वहाँ की धार्मिक यात्रा को क्यों प्रभावित करना चाहते हैं, वहाँ के साहसिक पर्यटन को प्रभावित करना चाहते हैं, इसलिए मैंने इस विषय को। महेंद्र भट्ट के इस बयान ने आग में घी डालने का काम किया है। उनके बयान से जोशीमठ के लोगों में खासा आक्रोश देखने को मिल रहा है। महेंद्र भट्ट के बयान के बाद जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति से अतुल सती ने कहा कि महेंद्र भट्ट और उनकी सरकार जोशीमठ में प्रभावित लोगों को पुनर्वास मुआवजा की उचित व्यवस्था नहीं कर पा रही है और फालतू की बयानबाजी कर रही है। अभी कुछ देर पहले भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी का बयान आया है। उन्होंने उसमें ये जो जनता बैठी है आंदोलन में, इस जनता को माओवादियों का आंदोलन बताया है। उनका कहना है कि चीन की साजिश है। ये महेंद्र भट्ट वही हैं जिनके घर पर हम गए थे और 1 जनवरी को रात को इन्होंने मुझको अपने घर पर बुलाया था और मुझसे पूछा था कि क्या किया जाना चाहिए जोशीमठ में। उस दिन इन्होंने कहा कि 10 बजे रात इनकी मुख्यमंत्री से मुलाकात है, लेकिन इन्होंने हमको बेवकूफ बनाया। तो जिस दिन इन्होंने मुझे अपने घर पर बुलाया, बैठाया, मुझसे जोशीमठ के बारे में सुझाव मांगा, तो क्या ये माओवादी से सुझाव मांग रहे थे, चीन के लोगों से सुझाव मांग रहे थे? और आज जो है राहत पुनर्वास का काम तुमसे हो नहीं रहा है, 1 महीने से जनता बैठी हुई है, लोगों के घर मकान टूट गए हैं, तब वो व्यवस्था करने के बजाय महेंद्र भट्ट इस तरह का उलझनूल बयान दे रहे हैं। और अगर आपको लगता है तो बंद कीजिए ना, हमको गिरफ्तार कीजिए, आप पूरी जनता को अंदर कीजिए। अगर आपसे जो है राहत पुनर्वास नहीं हो पा रहा है, जनता की जो है समस्याएं आप सुलझा नहीं सकते, तो आप इस तरह के उटपटांग बयान दे रहे हैं, इसकी हम घोर निंदा करते हैं महेंद्र भट्ट। अतुल सती ने कहा कि आपदा की घड़ी में सरकार को लोगों की मदद करनी चाहिए और सरकार ऐसी ओछी बयान जारी कर लोगों की दुखती नस को और दुखा रही है। आज फिर महेंद्र भट्ट ने एक वीडियो जारी करते हुए कहा कि जोशीमठ में जनता को दिग्भ्रमित किया जा रहा है। आंदोलन का स्वरूप देने वाले वामपंथी लोग सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्र पर्यटन और धार्मिक यात्रा को प्रभावित करने का प्रयास कर रहे हैं, जिसे सफल नहीं होने दिया जाएगा। आगे महेंद्र भट्ट कहते हैं कि इन्हीं लोगों के द्वारा विस्थापन की कार्रवाई को प्रभावित करने का लगातार प्रयास हो रहा है। कुछ लोग जो सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्र के अंदर इस प्रकार का माहौल तैयार कर रहे हैं कि यहाँ की वहाँ की यात्रा प्रभावित हो, वहाँ का जो पर्यटन है वो प्रभावित हो, ऐसे लोगों से वहाँ के नागरिकों सचेत रहने की आवश्यकता है। मैंने वामपंथ का इसलिए उदाहरण दिया कि वामपंथ उस समय का जब चीन भारत आंदोलन चल रहा था, ऐसे समय पर वामपंथियों द्वारा हिंदी चीनी भाई भाई का जो नारा दिया, ये आज भी हम सब उत्तराखंड के लोगों के ध्यान में है। हमारा जोशीमठ का क्षेत्र बहुत संवेदनशील है, इसलिए मैंने स्पष्ट रूप से इस पर आरोप लगाया कि वहाँ वामपंथी जो लोग हैं, वामपंथी छात्र संगठन दिल्ली से, बॉम्बे से, ऐसे जो JNU में पढ़ रहे हैं, ऐसे लोगों को लाकर वहाँ की जनता को भड़काने का कार्य किया जा रहा है। मैंने किसी भी प्रकार से जनता को आंदोलन में जाने से रोकने के मेरे द्वारा पूर्ण प्रयास हुए और मैं कह सकता हूँ आज अगर इतना विलम्ब
इस सारी स्थिति में हो रहा है, इसके पीछे वामपंथी संगठन के लोग ही हैं। बीते दिन हुई भाजपा प्रदेश कार्य समिति की बैठक में जोशीमठ का जो प्रकरण है वो छाया रहा। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट समेत तमाम पदाधिकारियों ने इस मुद्दे पर अपने अपने विचार और सुझाव रखे। महेंद्र भट्ट ने कहा कि कार्य समिति में चिंता जताई गई कि कुछ वामपंथी विचारधारा वाले लोग, जिनकी राज्य में कोई भूमिका और जनाधार भी नहीं है, वो स्थानीय लोगों को राष्ट्रीय विकास और सामरिक दृष्टि से जरूरी परियोजनाओं के खिलाफ बरगा रहे हैं। भट्ट के इस बयान से जोशीमठ बचाव संघर्ष समिति सहित जो तमाम लोग हैं जोशीमठ के, जिन लोगों पर ये जो लोग ये आपदा का दंश झेल रहे हैं, उनमें भारी गुस्सा है।